बाबू हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया रात में, हमारे लड़के का यहाँ लाश आया। मैं हांटा कोतवाली से आया हूँ, बहुत प्यासे थे, भूखे थे। जिसने भी ये काम किया है भगवान उसको लाख लाख शुक्रिया, बहुत आगे बढ़े हो। ये बहुत करीब 15 दिन पहले फिर आए थे एक पेशेंट को लेकर के, बहुत अफरा तफरी थी, कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि गर्म पानी के लिए दुकानों पे आदमी दौड़ के आई है, किसी कभी मिल पाता था कभी नहीं मिल पाता था। देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ भैया, और बहुत जो है इतना सराहनीय काम है जिसकी प्रशंसा कोटि कोटि की जाए। हर किसी हर कोई इंसान इसी तरह का काम करता रहे। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। हमारा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी में एक तरफ जहाँ लोग घरों से निकलने में गुरेज कर रहे हैं, अपने आप को बचाकर घरों में आइसोलेट रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लगातार दूसरों की मदद के लिए बाहर बने हुए हैं। कुछ इन्हीं लोगों में एक नाम है अंशुमान बंका का, जो कि पडरौना नगर के एक व्यवसायी हैं। अंशुमान बंका बीते 15 दिनों से कुशीनगर के जिला अस्पताल में लगातार लोगों को भोजन करा रहे हैं। माँ भारती वाहिनी के नाम से संस्था चलाने वाले अंशुमान बंका लगातार 15 दिनों से यहाँ मरीजों और तीमारदारों को 3 समय भोजन देते हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने माँ भारती वाहिनी की तरफ से यहाँ मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भाप लेने, काढ़ा और गर्म पानी की भी व्यवस्था की है। हमारे साथ अंशुमान जी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके मन में यह सेवा भाव का ख्याल कहां से आया। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान जी हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार अंशुमान जी, विगत 15 दिनों से आप यह सेवा भाव कर रहे हैं, आपके मन में इसका ख्याल कहां से आया? एक हमारे परम मित्र हैं विजेंद्र पांडे, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनकी लीवर किडनी 80% डैमेज हो गई थी, गोरखपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उन्होंने बताया, 10 दिन का अपना अनुभव साझा किया कि आधे मरीज तो गर्म पानी, काढ़ा और पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण मर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छी व्यवस्था दे सकता है लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दे सकता है। इसको देखते हुए, चूँकि लॉकडाउन का समय है, हर आदमी पास पैसा है लेकिन कहाँ जा कर खरीदेंगे, जब सब कुछ बंद है कहाँ लेंगे, और बिना पौष्टिक आहार के ये बीमारी दूर नहीं जा सकती। इस बीमारी से बचना है तो गर्म पानी, काढ़ा, पौष्टिक भोजन, अपने जो साथ में आए हुए लोग गार्जियन हैं उनको अलग रहने की व्यवस्था, तब इस बीमारी ख़त्म किया जा सकता है। उसी को देखते हुए ये माँ भारती भोजनालय संचालित किया गया, जो आपके सामने चल रहा है। माँ भारती भोजनालय जो आप संचालित कर रहे हैं यहाँ जिला अस्पताल में, इसमें क्या क्या व्यवस्था आप मरीजों को दे रहे हैं और कितने समय से दे रहे हैं? 2 तारीख की संध्या से कार्यक्रम शुरू हुआ, ये एक आंदोलन है वैश्विक महामारी को ख़त्म करने का। खैर, ये एक कदम है, सच पूछ लेता हूँ। सुबह 6 बजे से शुरू होता है ये भोजन, 13-14 लोग की पूरी टीम लगी हुई है भंडारी लोग की। सुबह 6 बजे से ये गर्म पानी और चने की घुगनी बनाते हैं, फिर 10 बजे से भोजन स्टार्ट होता है, और गर्म पानी, काढ़ा और भोजन के साथ ये 11 बजे तक बनता है, जो रात को 1:30 बजे तक समाप्त होता है। अंशुमान जी, आप विगत 15 दिनों से यहाँ पे जन सेवा कर रहे हैं, देश में इस समय, देश में नहीं पूरे विश्व में कहें तो यह महामारी लोगों की जान लेने पर तुली हुई है, लगातार लोग मर रहे हैं, लोग को अपने जान का भय है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इस भयंकर महामारी में भी आप जिला अस्पताल जैसी जगह पर, जो कि काफ़ी संवेदनशील जगह है, इस जगह पर आप लगातार 15 दिनों से बने हुए हैं अपनी टीम के साथ, तो आपको डर नहीं लगता कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे भी परिवार वाले हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं? बिल्कुल, कोरोना एक बड़ी बीमारी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इससे बचने के बहुत सारे कारगर उपाय भी हैं। सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क, पौष्टिक भोजन, नियमित रूप से भाप लेना, गरारा करना और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन, जिसकी जो मैं और हमारे लोग करते रहते हैं और उसी कारण हम लोग बचे रहते हैं। सावधानी रख के ही हम लोग ये सेवा कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सावधानी पूरी तरीके से रखी जा रही है, यहाँ हर तरीके की व्यवस्था है, भाप लेने की व्यवस्था है, सावधानी रखिए, यहाँ तक कि तुलसी जी का अर्घ भी हम लोग पीते हैं। हमारे साथ
कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा कितने दिन से यहाँ पर हैं आप? बाबू हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और मैं जो है कि रात में हमारे लड़के का यहाँ लाश आ गया है और मैं हांटा कोतवाली से आया हूँ। बहुत प्यासे थे, भूखे थे, लेकिन जिसने भी ये काम किया है भगवान उसको लाख लाख शुक्रिया, बहुत आगे बढ़े वो। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद कुशीनगर बहुत ही अच्छा नेक काम है गरीबों के लिए, जो भूखे असहाय हैं उनके लिए। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आप कहाँ से आए हैं चाचा जी? हम सर बतरौली बाजार से हैं, स्थान थाना से। क्या नाम है आपका? मुर्तजा अंसारी। कितने दिनों से यहाँ पर आप? अभी तो हम आज ही आए हैं, लेकिन आकर के यहाँ ये जो व्यवस्था देखी गई, हालांकि मैं आज से करीब 15 दिन पहले फिर आया था एक पेशेंट को लेकर के, तो यहाँ बहुत अफरा तफरी थी, कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि गर्म पानी के लिए दुकानों पे आदमी दौड़ के जाता था, वहाँ से गर्म कराइए, किसी कभी मिल पाता था कभी नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं आज आया हूँ, ये देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत जो है दिल को तसल्ली है, और बहुत जो है इतना सराहनीय काम है जिसकी प्रशंसा कोटि कोटि की जाए फिर भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कितने दिनों से आए थे? सर आज हम आज पहले दिन आए हैं। आपको आपने यहाँ आने के बाद ये व्यवस्था देखी भोजनालय की, चाहे जिसने भी किया है, आपको कैसा लगा ये व्यवस्था? बहुत बढ़िया काम है, बहुत नेक काम है, और ये हम दुआ करते हैं कि हर कोई इंसान इसी तरह का काम करता रहे, तो ये बहुत बढ़िया काम है। अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ हमने कुछ लोगों से बात की, वो लोग बता रहे थे कि हम आज आए हैं, कुछ लोग कल आए थे, कुछ लोग बहुत दिनों से हैं जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, वो लगातार भोजन कर रहे हैं। अभी आइए, कितने दिनों से आप यहाँ आए हैं? हम यहाँ 4 दिन से आए हैं। 4 दिनों से आप यहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया सुविधा है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं तमकुही से। तमकुही से, जो कि कुशीनगर जिले का एक बॉर्डर है, तमकुही के बाद जिला बिहार प्रदेश पड़ता है, बॉर्डर से कुशीनगर के एक यहाँ ये आए हुए हैं। और कौन एडमिट है चाचा यहाँ आपका, कौन भर्ती है यहाँ? हमारा लड़का है जसवंत नाम। अच्छा, तो 4 दिनों से आप यहाँ हैं और यह भोजनालय लगभग 15 दिनों से चल रहा है, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे जो इस भोजनालय को चला रहे हैं अंशुमान बंका, उन्होंने हमसे बताया है कि 3 टाइम हम भोजन देते हैं। हाँ, 3 टाइम। तो आपको 3 टाइम मिला भोजन? एकदम एकदम। काढ़ा भी मिलता है यहाँ? हाँ, हम यहाँ नहीं आ पाते हैं तो वहाँ भी पहुँचवाते हैं। अच्छा, वहाँ भी कोविड अस्पताल में भी पहुँचता है? तो आप क्या कहना चाहेंगे अंशुमान बंका के? बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी आपने सुना कि हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हुए थे, वो हमसे बता रहे थे कि जो मरीज का तीमारदार यहाँ पर नहीं आ पाता है जिला अस्पताल के इस प्रांगण में भोजनालय के पास, उनके पास यानी कोविड अस्पताल में भी काढ़ा और भोजन समय से पहुँच जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे गर्म पानी अंशुमान बंका के द्वारा मरीजों के तीमारदारों के लिए दिया जा रहा है, जो कि इस कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है। गर्म पानी है, भोजन बन रहा है, लगातार भोजन बन रहा है। लगभग 16 सदस्यों की टीम है अंशुमान बंका की, हलवाइयों की, जो कि लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर भोजन बना। 15 दिनों से चल रहे माँ भारती वाहिनी के तत्वाधान में जिला अस्पताल में जो भोजनालय चल रहा है, उसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, जिससे कि यहाँ पर कोई अफरा तफरी न मचने पाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी करते हुए बैठे हुए हैं। ये इन्हें यहाँ इसलिए लगाया गया है कि यहाँ तीमारदार जब भोजन लेने आए तो एक साथ भीड़ इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। हम धन्यवाद देते हैं अपने जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल जी को कि उन्होंने इस कोरोना महामारी में माँ भारती भोजनालय के पास अपने पुलिस के जवानों को इतनी मुस्तैदी से तैनात किया। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप देख रहे थे अंशुमान बंका, जो कि पटरौना के एक व्यवसायी हैं, श्री बालाजी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं, और ये माँ भारती वाहिनी के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जो कि जिला अस्पताल में इस समय मरीजों और उनके तीमारदारों को भोजन, भाप, काढ़ा और गर्म पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात एक बता दें कि अंशुमान बंका ने इस
भोजनालय को चलाने के लिए अभी तक की कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं ली है। अकेले अपने दम पर इन्होंने माँ भारती वाहिनी के तरफ से इस भोजनालय का शुभारंभ किया और देखते ही देखते इनके साथ पडरौना नगर के कई व्यवसायी जुड़ते चले गए। एक तरफ जहां लोग अपनी जान बचाकर इससे दूर भाग रहे हैं, अपने घरों में आइसोलेट रह रहे हैं, अपने परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंशुमान इन मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए एक फरिश्ता बनकर, डूबते को तिनके का सहारा बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अंशुमान बंका ने न सिर्फ इन मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए ये भोजन की व्यवस्था की है, बल्कि उनके रहने के लिए यहाँ जिला अस्पताल में 3 भवनों को भी जिला प्रशासन से कह के अधिग्रहित करवाया है। उसमें उन्होंने 100 बेड लगभग मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए व्यवस्थित करवाया है, जहाँ वह रात में विश्राम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जिला अस्पताल में इस समय मरीजों की भरमार है। जिले के कोने कोने से मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। बगल में कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ मरीजों के तीमारदारों को बाहर रहना पड़ता है। कई बार यह देखने को मिला है कि मरीजों के तीमारदार सड़कों पर अपनी रात बिताते हैं, लेकिन जब से अंशुमान बंका ने माँ भारती वाहिनी की तरफ से भोजनालय शुरू किया है, तब से कोई भी मरीज का परिजन या तीमारदार सड़क पर रहने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए, हमारी खबर आपको अच्छी लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए द चेतक न्यूज़। नमस्कार।